राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। लोकसभा इलेक्शन के छठे मरहले के तहत आज मुल्क की 8 रियासतों में शाम 7 बजे तक कुल 58.5% वोटिंग दर्ज की गई है। एसपी लीडर अखिलेश यादव और कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ के घर गोरखपुर में मुश्तरका रैली से खिताब किया। इस दौरान दोनों लीडरों ने मोदी हुकूमत पर जमकर हमला किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि उन्हें तोड़ने के लिए अब इनके बूढ़े और बीमार वालदैन को टारगेट किया जा रहा है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह करके तमाम हदें पार कर दी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान को दी गई 7 साल की सजा पर रोक लगा दी है, जबकि उनके अहलिया तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा पर रोक नहीं लगाई है, ताहम तीनों की जमानत मंजूर कर ली गई है। रेत के फनकार सुदर्शन पटनायक ने पूरी साहिल पर 2000 मुरब्बा फीट रकबा पर 500 किलो आमों का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा फल तैयार किया, जिसमें उस छठे मरहले के तहत वोटरों से जारी इंतखाबात में वोट करने की अपील की। रियासत में लोकसभा इंतखाबात खत्म हो चुकी, जिसके बाद एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के रियासती सदस्य सुनील तटकड़े ने कहा कि अब हमारी तवज्जा रियासत में आने वाले असेंबली इंतखाबात पर है और इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। महाराष्ट्र के थाने जिला के डोंबिवली में एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से आग लग गई, हादसे में 8 अफराद हलाक और 64 अफराद जख्मी हुए हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने इतला दी है कि 10वीं जमात के इम्तिहान के नतायज का ऐलान 27 मई को दोपहर 1 बजे किया जाएगा। पुणे में पेश आए हादसे के पेश नजर पुणे पुलिस ने शहर और जिला में 49 पब और बार के खिलाफ कार्रवाई की है और इन्हें बंद और सील कर दिया गया है। लोकसभा इंतखाबात के खत्म होती रियासत में एमएलसी की 4 सीटों के इलेक्शन का ऐलान किया गया है। इस पंजमंजर में ठाकरे ग्रुप ने टीचर ग्रेजुएट इलेक्शन के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसराइल ने रफा में फौजी कार्रवाई को रोकने और रफा क्रॉसिंग को खोलने से मुतालिक आईसीजे के फैसले को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि फौजी कार्रवाई हर हाल में जारी रहेगी। ऑस्ट्रेलिया के पापुआ न्यू गिनी में मिट्टी के तोड़े गिरने से 100 से ज्यादा अफराद के हलाक होने का अंदाजा लगाया गया है। सोशल मीडिया वीडियो में दिखाया गया है कि मुकामी लोग दबी हुई लाशें निकाल रहे हैं। अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत ने भारत और ईरान के दरमियान चाबहार बंदरगाह पर हुए 10 साल मुआहदे का खैर मकदम करते हुए कहा कि इससे अफगानिस्तान की माशी आजादी में भी इजाफा होगा। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक ने मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराने का ऐलान करते हुए कहा कि 4 जुलाई को मुल्क में आम इंतखाबात मुनक़िद होंगे। अफगानिस्तान में शदीद बारिशों और अचानक सैलाब ने सैकड़ों अफराद की जान ले ली, हजारों मकानात को नुकसान पहुंचा और जमीन का बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से महरूम हो गया है। भारत की अनसुईया सेन गुप्ता ने कौन फिल्म फेस्टिवल 2024 में तारीख खत्म की है। अनसुईया को फिल्म दी शेमलेस के लिए बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मिला है। बॉलीवुड स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा ने दिल्ली में होने वाले लोकसभा इंतखाबात 2024 में वोट देकर शहरी होने का अपना फर्ज पूरा अदा कर दिया है। आज 25 मई को सिद्धार्थ अपने वोट डालने के लिए मुंबई से अपने आबाई शहर दिल्ली गए थे। आईपीएल 2024 का फाइनल मैच इतवार 26 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर हैदराबाद के दरमियान चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए पाकिस्तान की टीम का आखिर ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तानी स्क्वाड में मजमूई तौर पर 15 खिलाड़ियों को जगह मिली है और 2 अहम खिलाड़ियों को टीम से बाहर रखा गया है। टेस्ला के बॉस एलन मस्क ने ऐसे मुस्तकबिल की निशान गोई की है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबकी नौकरियां खा जाएगा और मुस्तकबिल मुलाजमतें सिर्फ इख्तियारी होंगी। आप देख रहे थे देश दुनिया की खबरें। इसी तरीके की खबरें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहिए अब तक न्यूज़ इंडिया।